फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनाया। इस दौरान जहां उन्होंने पीएम के स्वच्छता अभियान की सराहना की तो वहीं कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को लेकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जब एक परिवार की नैया डूब रही होती है तो परिवार उससे बचाने की कोशिश करता है। विपुल गोयल ने कहा कि भाजपा कर्नाटक में सरकार बनाकर ये साफ कर देगी कि लोगों को कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि स्वच्छता का जो संदेश हो के साथ साथ जो स्वास्थ्य का संदेश दिया कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, कि अगर थोड़ी देर का व्यायाम अगर एक घंटा हम अपने आप को देंगे तो पूरी जिंदगी और पूरे दिन हम लोग बहुत ऊर्जावान तरीके से काम कर सकते हैं। और ये पारिवारिक आक्रोश की लड़ाई है, ये जन आक्रोश की कोई लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र के अंदर जन आक्रोश तो तब होता है जब लोग सत्ता परिवर्तन के लिए वोट देते हैं। लोगों ने जन आक्रोश कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना वोट दे दिया। आज 22 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 15 तारीख को कर्नाटक के अंदर और सरकार बन जाएगी। और लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा और ये 15 तारीख को इस पर ठप्पा वो लगा।